यह सभी प्रवासी सूरत वासियों को मैं आत्मा से कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्व समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के सबसे युवा सरल सौम्य कर्मठ शिक्षित और सहज उपलब्ध होने वाले अपने लाडले और सबके चहेते विधायक श्रीमान रामनिवास सिंह गावड़े साहब और विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इन्हीं के समकक्ष ऊर्जावान हमारे प्रधान श्रीमान ओम जी मुंडवाड़े जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष मांगीलाल जी चोयल, पुराराम जी ब्लॉक अध्यक्ष प्रोफेसर, विभिन्न ग्राम पंचायतों से पधारे हुए सभी सरपंचगण, जनप्रतिनिधि, मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों, जहाँ तक विकास की बात है, विकास के तीन चार अहम मुद्दे होते हैं। मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, बिजली पानी का क्षेत्र हो, सभी आधारभूत मूल सुविधाओं में अगर विकास का काम किया है तो आपके लाडले विधायक रामनिवास जी गावड़े साहब ने किया। और आप ये चीज सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से खुद देख रहे हैं, परख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हमारी गवाही की आवश्यकता आपको नहीं है। रामनिवास जी गावड़े साहब एक ऐसे विधायक है जो सुदूर गांव ढाणी देश प्रदेश में बैठे हुए गरीब मजदूर किसान प्रवासी जो उपेक्षित शोषित पीड़ित किसी भी वर्ग समाज छत्तीस कौम के आदमी की सुनने वाला अगर सच्चा विधायक है तो आपका रामनिवास जी गावड़िया साहब है। इनके जिस किसी भी व्यक्ति से इनका काम पड़ा है, आपको किसी भी सरपंच पंच किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। आप इस इनसे सीधा संवाद करिए। अगर आपका काम नहीं होता है तो फिर आप अपने सरपंच से कहें या आप अपने मिलने वाले से कहें, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ छाती ठोक के, और ये सच्चाई है सर। इनके लिए किसी प्रकार की कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी इन्होंने अभी हमारे अमर सिंह जी भाई साहब ने बताया, पुराराम जी ने बताया, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आरएलपी का है। इन्होंने हमेशा एक ही बात पर सोचा है कि ये मेरी विधानसभा परवसर का वासिंदा है, इसका काम होना चाहिए, और हुआ है। रात को मैंने अनेक काम अलग अलग जातियों के लोगों के काम करवाए हैं। रात को 10 बजे इन्होंने ऑनलाइन डिजायर किए हर कौन के लिए, चाहे तबादला हो। अगर हमने भी चला के किसी को कह दिया कि भाई साहब ये आदमी ठीक नहीं है, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें किसी को चेंज नहीं करना है, परपक्षर विधानसभा से बाहर किसी को नहीं भेजना है। अगर परपक्षर विधानसभा का कोई भी छत्तीस कौम का कोई भी कर्मचारी कहीं बाहर बैठा है तो बताओ, उसको मैं लेकर आने के लिए जिम्मेदारी मेरी है। ये है हकीकत। ये जो टेम्पू वालों की बात चली, हमारे से पुलिस थाना पीलवा 10 किलोमीटर दूर है, हरसौर से पत्थर आते थे, पीलवा डूंगर से पत्थर आते थे, टेक्टरों की लाइन चलती थी, जाटों का भी था, ब्राह्मणों का भी था, खातियों का था, राजपूतों का था, रावण राजपूत का था, किसान कौन में सर्व समाज आते हैं साहब, उसमें केवल जाट नहीं आते। लेकिन विगत साल में एक तरह से पूछा जाता था, ये ट्रैक्टर किसका है, फलाना राम का, चलो इसको अंदर, ये किसका है, फलान जी का, तू जा। ये हकीकत आप सब ने हमने भुगती है। लेकिन क्या सब जातियों के ट्रैक्टर नहीं चलते हैं, केवल जाटों के थोड़ी चलते हैं? लेकिन श्रीमान रामनिवास जी गावड़े साहब ने कभी भी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव का कहीं भी बर्ताव किया है तो आप बताओ? कभी भी इनके मन में तनिक सी सोच नहीं आई। इनके मन में एक ही सोच आई है, छत्तीस कौम ने अगर मुझे सेवा करने का मौका दिया है,
सब लोगों ने अगर मुझे मौका दिया है तो मैं पूर्णतया आत्मीयता से, अपनत्व से, अपना मानकर, गरीब को गणेश मानकर मैं इस जनता की सेवा करूंगा। मेरा मूल उद्देश्य यही है और कर रहे सब। आप सबने, हम सबको यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, जो आदर दिया, उसके लिए मैं पुनः एक बार सभी प्रवासी भाइयों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भारत। राम राम सर। आगे श्री ओम।